हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 13, नाम है टॉक्सिकोलॉजी। सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, टॉक्सिकोलॉजी क्या है? आपकी स्टडी ऑफ द पॉइजन, ठीक है। टॉक्सिक जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है आपका? पॉइजन, ठीक है, जहर जिसको आप बोल सकते हो, उसकी स्टडी करना। उस कैसे एक पॉइजन आपकी बॉडी में जाके एक्ट करेगा, ठीक है, कैसे आप उसको डिटेक्ट करोगे कि किस तरह का पॉइजन है ये, और कैसे पॉइजनिंग को प्रिवेंट करोगे या फिर उससे होने वाले आगे जो कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करोगे, और कैसे ट्रीटमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी जाती हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ऑल पॉइजनिंग केसेज रिक्वायर, अगर किसी भी तरह की कोई भी पॉइजनिंग है, सारे के सारे पॉइजनिंग केसेज के अंदर आपको हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। यानी जिस भी इंसान ने टॉक्सिक या पॉइजन ले लिया है उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, और केयरफुल ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है उसको जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती है, ठीक है। पॉइजनिंग देखिए आपकी कैसी हो सकती है, सुसाइडल भी हो सकती है, ठीक है, होमिसाइडल घर पे भी हो सकती है, या फिर एक्सीडेंटल भी हो सकती है। ये आपकी टाइप हो सकती है पॉइजनिंग की, मतलब किसी भी पर्पज से पॉइजनिंग आपका लिया जा सकता है। उसके बाद है, ऑल केसेज ऑफ पॉइजनिंग आर मेडिको लीगल केसेज, सारे के सारे पॉइजनिंग केसेज, पॉइजनिंग के सारे ही केसेस लीगल होते हैं, और इसीलिए चाहे किसी भी तरह की पॉइजनिंग हो पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, ये आपको ओवरऑल ट्रीटमेंट बताया गया है। किसी भी तरीके की पॉइजनिंग हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना है। उसके बाद जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, हमें उसका एयरवे क्लियर करना होता है। अगर पेशेंट आपका कोमा में आपके पास आया है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का बाय द टंग, ठीक है। या बेहोश अगर आपके पास पेशेंट आया है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो सकता है। उसकी जीभ से उसकी क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर सिक्रीशंस की वजह से, मतलब मुंह से कोई सिक्रीशन आ रहा हो, या फिर एस्पिरेशन ऑफ वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग हुई हो, बॉडी ने थोड़ा फिजियोलॉजिकल एक्शन किया हो, या तो क्या हो सकता है, वोमिटिंग आई हो और वोमिटिंग को वो पेशेंट क्या कर गया हो, एस्पिरेट कर गया हो, तो इन वजह से क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, एयरवे को क्लियर करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसीलिए आप क्या करोगे, पेशेंट को आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद आपने क्या करना है, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना है, ठीक है। ईटी ट्यूब क्या होती है, आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, उसको इंसर्ट करना है, और फिर क्या करना है, जितना भी सिक्रीशन पेशेंट के माउथ में हो उसको एस्पिरेट या सक्शन कर लेना है रेगुलरली, ठीक है। उसके बाद है, एयरवे के बाद जो चीज़ आप मेंटेन करोगे वो रहेगी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को पहले आप असेस करोगे, ठीक है। अगर पेशेंट के अंदर आपको हाइपोक्सीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है तो आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दोगे, ठीक है। पेशेंट मे नीड द मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑल्सो, अगर ऑक्सीजन कैथेटर कैनूला से काम नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालोगे, अगर आपको रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल ही कम देखने को मिल रहा है तो ब्रीथिंग के बाद आप क्या असेस करोगे, सर्कुलेशन असेस करोगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। सर्कुलेशन के अंदर इसको आप कैसे असेस करोगे, एक तो पेशेंट की पल्स रेट असेस करके, दूसरा आप पेशेंट का बीपी असेस करके, ठीक है। ये दोनों चीज असेस करने के बाद आपने क्या करना है, आईवी जो फ्लूड है वो शुरू कर देना है पेशेंट का, ठीक है। ये तीनों चीज मेंटेन करने के बाद, असेस करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने पॉइजन पे आना है, ठीक है। अगर तो पॉइजन को एब्जॉर्ब होने से क्या करना है, बचाना है, जितना हो चुका है एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड में और आगे एब्जॉर्ब ना हो उस चीज से आपने क्या करना है, प्रिवेंट करनी है, प्रिवेंशन करनी है। तो देखिए, अगर आपका पॉइजनिंग का केस है इनहेलेशन का, ठीक है, पेशेंट ने गैसियस फॉर्म में किसी पॉइजन को इनहेल कर लिया है, तो आपने क्या करना होता है, पेशेंट को आपने क्या करना है, मूव करना है फ्रेश एयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर किसी तरह का कॉन्टैक्ट पॉइजन है यानी आपकी स्किन पे अगर किसी तरह का पॉइजन है तो आपने क्या करना है, उन कंटामिनेटेड क्लॉथ को तुरंत उतार देना है और बॉडी पार्ट को आपने क्या करना है, वॉश करना है सोप और वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एक पॉइजन हो रहा है, अगर केमिकल पॉइजनिंग है, आपकी आंखों में किसी तरह की कोई केमिकल की वजह से पॉइजनिंग हो गई है, तो आपने क्या करना है, तुरंत अपनी आंखों को ठंडे पानी के साथ क्या करना है, वॉश करना होता है। उसके बाद अगली पॉइजनिंग है आपकी इंजेस्टेड पॉइजन, किसी तरह का कोई पॉइजन आपने खाया है तो उस कंडीशन में आपने गैस्ट्रिक लवाज करना होता है, ठीक है।
अगर आप ये कर देते हो, रिमूव कर देते हो गैस्ट्रिक से सारा का सारा कंटेंट 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, पॉइजनिंग के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सारा गैस्ट्रिक के अंदर, क्योंकि आपको पता है स्टमक में जो भी चीज़ है वो 2 से 3 घंटे तक रहती है, तो जहर लेने के बाद अगर 2 से 3 घंटे के अंदर आप पेट का सारा जो भी मटेरियल है उसको रिमूव कर दोगे, तो आप एब्जॉर्प्शन को क्या कर लोगे, मतलब इस पॉइजन को एब्जॉर्ब होने से बचा लोगे, ठीक है। अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप गैस्ट्रिक लवाज करने से पहले क्या करोगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करोगे। उसके बाद है गैस्ट्रिक लवाज आपने किसके साथ करना होता है, यानी पेट को खाली या साफ किसकी हेल्प से करना होता है, नॉर्मल सलाइन के साथ, नॉर्मल एनएस जिसको आप बोलते हो, ठीक है। और भी सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ल्यूक वॉर्म वाटर, हल्का गर्म पानी, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लवाज को आपने जब तक रिपीट करना है, जब तक पेशेंट की इस स्टमक से जो भी फ्लूड आप एस्पिरेट या सक्शन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, वो जब तक क्लियर ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपने क्या करना है, लवाज करते रहना है। उसके बाद है आफ्टर द लवाज, जैसे ही आपका ये जो गैस्ट्रिक लवाज का प्रोसीजर खत्म होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्टिवेटेड चारकोल पेशेंट को दे दोगे, ठीक है, उसके स्टमक में ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको पता है एक्टिवेटेड चारकोल एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, किसी भी तरह का कोई भी पॉइजन हो उसको ठीक करने के लिए आपका यूनिवर्सल एंटीडोट की तरह ये काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी ड्रग या पॉइजन आपने खाया है, ठीक है, उसके, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल का एक बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये हाईली पोरस होता है टू बाइंड विद द पॉइजनस मटेरियल, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइजनस मटेरियल के साथ बाइंड करने की प्रॉपर्टी रखता है। गैस्ट्रिक लवाज जब आपने कर लिया, किन कंडीशन में आप नहीं कर सकते हो गैस्ट्रिक लवाज वो आपको बताया हुआ है, अगर पॉइजनिंग किसी कोरोजिव सब्सटेंस की वजह से हुई है, ठीक है, उस केस में क्या हो सकता है, आपका जो स्टमक है या इसोफेगस है वहाँ पे परफोरेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, अगर वहाँ पर आप गैस्ट्रिक लवाज करते हो। या फिर पॉइजनिंग है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, जैसे कि केरोसिन हो गया, उस केस में आप गैस्ट्रिक लवाज नहीं करोगे। कन्वल्सेंट के केस में अगर पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, सीजर है, तो उस कंडीशन में आप गैस्ट्रिक लवाज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हम पहले हॉस्पिटलाइज पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, एयरवे को क्लियर करेंगे, ब्रीथिंग को असेस करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे या फिर जिस भी तरह का जो भी पॉइजन है उस हिसाब से हम काम करेंगे। उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज करने के बाद और चीज़ आप क्या कर सकते हो, एमेटिक ड्रग दे सकते हो। एमेटिक ड्रग कौन सी होती हैं, जो वोमिटिंग करवाती हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं आपकी, मस्टर्ड होगी, कॉमन साल्ट होगी, सिरप एपिक हो गया, ये आप दे सकते हो वोमिटिंग करवाने के लिए, ताकि जो भी चीज़ आपने खाई है वो फर्दर एब्जॉर्ब ना हो आपके ब्लड के अंदर। लेकिन इस मेथड को आज के टाइम में रेयरली ही यूज़ किया जाता है। देखिए एमेटिक्स का यूज़ तो आपका थोड़ा बैन कर दिया गया है या फिर यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद हम क्या चीज़ कर सकते हैं, लग्जेटिव्स हम दे सकते हैं। लग्जेटिव्स आपकी वो ड्रग होती हैं जो स्टूल पास आउट करवाती हैं, ठीक है। इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो मैग्नीशियम सल्फेट को या सोडियम सल्फेट को, इनको आप ओरली दे सकते हो, ठीक है। किस लिए ये आप दवा दोगे, ताकि जो भी आपने खाया है वो आपका स्टूल के थ्रू एलिमिनेट हो जाए, बाउल नीचे की तरफ से चला जाए। गैस्ट्रिक लवाज आपने कर दिया है, जो चीज़ एब्जॉर्ब हो चुकी होगी उसको आप, मतलब जो चीज़ इंटेस्टाइन में पड़ी हुई होगी उसको आप क्या करोगे, लग्जेटिव्स की हेल्प से बॉडी से एलिमिनेट करवा दोगे, ठीक है। और आप क्या दे सकते हो, अगर आपने पूरी की पूरी बाउल को ही, पूरी इंटेस्टाइन को ही इरीगेट करना है, साफ करना है, या फिर पूरे GIT ट्रैक्ट को ही साफ करना है, ठीक है, तो आप क्या दोगे, ओरल पोली इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको पेगलेक पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप दोगे, ओरली दोगे ये, ठीक है, ताकि आपकी पूरी की पूरी GIT ट्रैक्ट क्या हो सके, इरिगेट हो सके, साफ कर सको आप उसको, ठीक है। किस केस की पॉइजनिंग में आप ऐसा कर सकते हो, अगर पेशेंट ने आयरन से रिलेटेड कोई चीज़ खाई है, लिथियम की कोई पॉइजनिंग हुई है, या कोकेन की, या हीरोइन की, या फिर किसी फॉरेन सब्सटेंस या बॉडी की, ठीक है, इस केस में आप क्या कर सकते हो, पूरी GIT ट्रैक्ट को साफ कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, स्टूल बिल्कुल पास आउट हो जाएगा, इसकी हेल्प से पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी आपकी। सिक्स्थ जो पॉइंट रहेगा आपका वो क्या रहेगा, टू प्रमोट द एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ ड्रग। अब जो आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है,
अब तक हम पढ़ रहे थे, देखिए गैस्ट्रिक लवाज हमने किया ताकि पेट के अंदर जो कंटेंट है उसको हम बाहर निकाल लें। लग्जेटिव्स हम इसलिए दे रहे थे ताकि इंटेस्टाइन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, वो जो भी चीज़ आपके इंटेस्टाइन में पड़ी हुई है पॉइजनस सब्सटेंस, वो आपका बाहर निकल सके। एमिटिक्स भी हम इसलिए दे रहे थे ताकि वोमिटिंग के थ्रू पेट के अंदर जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो आपका बाहर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जो एब्जॉर्ब हो चुका है आपके ब्लड में, ठीक है, उसको कैसे एलिमिनेट करवाओगे आप, उसको एलिमिनेट करवाने का आपका तरीका क्या है, यूरिन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ब्लड आपका फिल्टर होने के लिए किडनी के पास आता है और किडनी ही आपका क्या करती है, यूरिन की प्रोडक्शन करती है। तो आप ऐसी दवाइयां दोगे जिससे क्या हो, यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो ऐसी दवाइयों को आप क्या बोलते हो, डायुरेटिक्स बोलते हो। डायुरेटिक्स आप कौन सी यूज करोगे, मैनिटोल और फिरोसिमाइड, या आप किस रूट से यूज करोगे, आई, देखिए आप ये आईवी दोगे ताकि आप एलिमिनेट करवा सको एब्जॉर्ब्ड पोर्शन को ड्रग के आपके यूरिन के थ्रू, ठीक है। और क्या आपने देना है, देखिए डायलिसिस आप करवा सकते हो, ठीक है, डायलिसिस आप करवा सकते हो, किस केस में, सीवियर पॉइजनिंग के केस में। डायलिसिस क्या होता है, आपका पूरे ब्लड को ही एक मशीन की हेल्प से आपका प्योरीफाई कर देना, ठीक है। ये आप लिथियम की पॉइजनिंग के अंदर, एस्पिरिन पॉइजनिंग के अंदर और मिथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है, अगर इन सब्सटेंस से आपकी क्या हो रही है, पॉइजनिंग हो रही है, तो उस केस में आप डायलिसिस करवाओगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब पॉइजनिंग लेने की वजह से आपकी बॉडी में जो भी सिम्टम्स आए हैं उनको ट्रीट करने के लिए आप क्या दोगे, आईवी डाइजीपैम दोगे 5 से 10 mg, अगर पेशेंट को पॉइजन लेने की वजह से दौरे आ रहे हैं उस लिए, ठीक है। और अगर पेशेंट का जो फीवर, अगर उसको हो रहा है हाइपरपायरेक्सिया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल कूलिंग, मतलब बाहर आप एसी चला दोगे, फैन ऑन कर दोगे, ये सारी चीजें आप दोगे बाहर से, ठीक है। उसके बाद जो हम चीज करेंगे वो, अब हम देखिए गैस्ट्रिक लवाज हमने किया, लग्जेटिव से हमने क्या किया, इंटेस्टाइन को साफ कर दिया, और ये डायरेटिक्स देके हमने यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ा दी। तो अब फ्लूड वॉल्यूम को भी आपने क्या करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि आप बॉडी से फ्लूड को निकाल रहे हो, तो अंदर अब आपने क्या करना है, मेंटेन करना है फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, ठीक है। वो देखिए आप कैसे करोगे, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए आपने आईवी लाइन शुरू करनी है। अब आपने जो भी दवाइयाँ दी हैं या जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर आपको या तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है या हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। अगर तो आपको हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है, यानी सोडियम का लेवल पेशेंट की बॉडी के अंदर कम हो गया है, तो आप क्या करोगे, इंट्रावेनस नॉर्मल सेल लाइन आप पेशेंट का शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर आपको पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है, सोडियम का लेवल अगर आपका बढ़ गया है, तब आप क्या करोगे, फिरोसिमाइड दे दोगे। फिरोसिमाइड क्या करेगी, यूरिन के थ्रू सोडियम को निकाल देगी बॉडी से। उसके बाद अगर आपको पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन, पोटेशियम कम देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, पोटेशियम ही बॉडी में चढ़ा दोगे, ठीक है। देखिए पोटेशियम कम हो रहा है तो हम पोटेशियम ही क्या कर देंगे, दे देंगे। तो आप किस फॉर्म में दोगे पोटेशियम को, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में, KCl की फॉर्म में आप इसको दोगे, ठीक है। ये आप ओरली भी दे सकते हो पेशेंट को, या फिर आईवी दे सकते हो, लेकिन आईवी भी आपने स्लो देना है, ठीक है। ओरली आप कैसे दोगे, ओरली आप दोगे शुड डाइल्यूट विद द वॉटर। ओरल आप जब दोगे तो जो भी ओरल पोटेशियम क्लोराइड रहेगा उसको आप मिक्स करोगे वाटर के साथ, ताकि ये पोटेशियम क्लोराइड अगर आप सिंपल दोगे तो इसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपने पोटेशियम क्लोराइड को वाटर के साथ डाइल्यूट करके फिर पेशेंट को देना है। और स्लो आईवी इन्फ्यूज़न क्यों करना है, आप फास्ट इसको क्यों नहीं दोगे, सीधा इंजेक्शन आपने भरा और पेशेंट के क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट की, अगर आप रैपिड इंजेक्शन लगा दोगे पोटेशियम क्लोराइड का, तो ये कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन कोज कर सकता है पेशेंट के अंदर, यानी हार्ट काम करना बंद कर देगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम जो क्लोराइड है इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि ये कार्डियक को डिप्रेस करता है, हार्ट को डिप्रेस करने का, यानी हार्ट के फंक्शंस को कम करने का काम भी आपका ये क्या करता है, शो करता है। इसीलिए हमेशा पोटेशियम क्लोराइड को स्लो आईवी इन्फ्यूज़न मेथड की हेल्प से दिया जाता है, ठीक है। यानी एक NS की बोतल में आपने पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन लगाना है और फिर स्लो रेट पे उसको शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट। अब अगर आपको पोटेशियम का लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, अगर हाइपरकैलेमिया आपका माइल्ड फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, फिरोसिमाइड दे दोगे, यूरिन के थ्रू आपका पोटेशियम बॉडी से बाहर चला जाएगा। और अगर आपका ये सीवियर देखने को मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, फिरोसिमाइड से भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दोगे, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, ठीक है। कैल्शियम रिप्लेस कर देगा सोडियम को, और ये आप कैसा दोगे, आईवी इन्फ्यूज़न की
हेल्प से ये दोगे, ठीक है। अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे पेशेंट को, और वो भी आईवी, ठीक है। तो ये था हमारा, मेंटेन करें हैं हमने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। अगर मतलब इतना ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी बॉडी में आपको ये कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, तो ये हमारा जनरल ट्रीटमेंट था एक पॉइजनिंग के केस के पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मतलब कितनी तरह के पॉइजन होते हैं और उनका स्पेसिफिक जो एंटीडोट है वो क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रीटमेंट पॉइजनिंग का समझ आया होगा। आपने एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, फिर गैस्ट्रिक लवाज करना है, एमेटिक्स दे दोगे, लग्जेटिव्स दे दोगे एब्जॉर्ब्ड ड्रग को निकालने के लिए, आप फिर डायरेटिक्स दे दोगे, ठीक है। और सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए आप जैसा सिम्टम हो, पेन हो रहा है तो पेन किलर, ठीक है, कन्वल्जन आ रहे हैं तो डाइजीपैम, फीवर हो रहा है तो फीवर की दवा, तो जो भी सिम्टम हो वैसा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करोगे। तो ये था आपका, एक पॉइजनिंग के पेशेंट को अगर आपके पास आता है तो आपने कैसे डील करना है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।